हेलो एवरीवन, माइसेल्फ विनय सिंह। आज क्लास ट्वेल्थ में दो बड़े फेमस नेम रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। स्पेशली क्या ना कि एल्डोल कंडेंसेशन हम लोगों ने क्या ना प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर लिए हैं, तो कृपया अगर आप नए होंगे तो उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो क्रॉस एल्डोल को जानने से पहले क्या ना कुछ इसमें बेसिक ये है कि जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन कम से कम क्या ना एटलीस्ट एक अल्फा होना चाहिए। तो क्रॉस में भी क्या ना कि इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो एक एल्डिहाइड लेंगे और दूसरा जो आप एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे वो डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब यही क्रॉस होता है। तो सपोज क्या ना कि हमने दूसरे वाले में कुछ ऐसे लिया है, एक का हमारे पास कीटोन है और एक एल्डिहाइड हमने लिया है। तो इसमें शर्त यह है कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है या दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन टेक प्लेस कर जाएगा। ये इसका शर्त है कि मतलब क्रॉस के लिए ये होना चाहिए कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब देखिए इसको रिएक्शन कैसे करेंगे। तो हमने इसमें क्या लिया है, एक एल्डिहाइड लिया है और एक कीटोन लिया है। तो टोटल इसमें क्या ना कि हमारे पास चार प्रोडक्ट बनते हैं। टोटल इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, चार प्रोडक्ट बनेंगे। तो आइए देखिए इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो क्रॉस एल्डोल में टोटल चार प्रोडक्ट बनता है इसमें। अब देखिए एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसका रिएक्शन का तरीका ये है कि आप एक कार्बोनिल को फिक्स कर दीजिए। सपोज मैंने इसको ले लिया ए और मैंने इसको सपोज ले लिया बी ले लिया, तो एक के कार्बोनिल को आप फिक्स कर दीजिए और दूसरे वाले के अल्फा हाइड्रोजन को कहना रोटेट कराइए या उसका क्लीवेज कराएं। तो मैं दूसरे वाले के अल्फा हाइड्रोजन को कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, एच सी एच टू और ये सी ओ और ये सी एच थ्री। देखो कैसे इसमें पहचानोगे कि अल्फा है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सपोज कहना ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो ये बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है और मेरे को क्या ना सिर्फ एक से मतलब होता है। इस वाले को जरा चेक करो, इस वाले में भी क्या ना इधर भी अल्फा कार्बन है बेटा, इधर भी अल्फा कार्बन है और मेरे को सिर्फ एक से मतलब होता है। तो अब देखो ये आपने पहचान लिया अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। कैसे करेगा, आओ जरा इसको मैकेनिज्म समझते हैं। और ये जनरली क्या ना कि बेस के प्रेजेंस में होता है। तो बेस का मतलब ये हो गया कि आप KOH ले सकते हैं या NaOH ले सकते हैं या BaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं। अब जरा देखिए इसको कैसे तोड़ोगे। तो इस वाले में क्या ना कि जो कार्बोनिल है इसको ऐसे क्लीवेज करो, तो किसी एक पर आएगा माइनस और किसी एक पर आएगा प्लस आएगा। कैसे पहचानेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, यानी जब दो डिफरेंट एटम्स आते हैं तो उनके पर क्या ना एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस और पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा। तो आप इसको ऐसे डील कर सकते हो। अब देखो इस वाले में क्या ना कि हाइड्रोजन को जरा रोटेट करो, तो एक हाइड्रोजन को जब तोड़ोगे ऐसे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस और पीछे क्या छोड़ेगा, माइनस छोड़ेगा। बस मेजोरिटी क्या ना कि रिएक्शन में आपको ऐसे ही पकड़ना है। और जनरली क्या है ना यहाँ पर आपका मीडियम क्या रहेगा, बेस दिया रहेगा। बेस का मतलब बोले तो यहाँ पर NaOH हो गया या फिर KOH हो गया। ओके अब जरा देखिए कैसे रिएक्शन को टेक प्लेस किया जाएगा। तो माइनस का शिफ्टिंग कराओगे प्लस के पास, माइनस का शिफ्टिंग कराओगे प्लस के पास, यानी अपोजिट चार्ज वाले को आप जोड़ दिए अच्छे से। बस यही रिएक्शन का फंडा है। देखो अब इसको अगर जोड़ेंगे तो देखो कैसे जुड़ेगा, ये हो जाएगा सी एस थ्री, ये हो जाएगा सी एस थ्री। इस कार्बन से क्या है ना, इसको मेरे को सी एस टू से इस कार्बन को जोड़ना है, सी एस टू को इस कार्बन से जोड़ना है और ओ को किससे जोड़ना है, एच से जोड़ना है। ये वाला देखो एच क्या ना डिस्टर्ब करता है, इसको क्या ना कि आप ऊपर पलटी मारो ऐसे। इस वाले का क्या ना OH ऐसे कर दो, यानी O जाएगा H के साथ तो OH हो गया। ये वाला कार्बन किससे जुड़ेगा, CH2 से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या ना कि अभी देखो एक प्रोडक्ट बना है, अब ये ऐसे क्या ना तीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो कृपया आप यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। बेटा इसमें क्या ना कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बना लिया है, अभी मेरे पास क्या ना कि इसके तीन प्रोडक्ट मेरे को बनाने हैं। तो क्रॉस वाले में टोटल चार प्रोडक्ट बनते हैं। तो एक प्रोडक्ट हमारा क्या ना कि जब मैंने ए को फिक्स कर दिया और बी वाले के अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, तो सिंगल प्रोडक्ट आपके पास उधर कुछ मैंने बना के दिखा दिया है। अब क्या ना बी को आप इधर लिखो, तो बी को आप इस साइड लिखो ताकि रिएक्शन का अच्छा फील आ सके और ये हो जाएगा सी एस थ्री। अब दूसरे वाले में क्या ना इस वाले के अल्फा हाइड्रोजन को रोटेट करा दो, यानी आप इसको ऐसे तोड़ो और ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच हो जाएगा। ओके तो अब देखो इसको कैसे कराओगे। तो इसमें स्पेशली क्या ना कि इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को मेरे को तोड़ना है, जब इसको तोड़ोगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस आएगा, पीछे क्या छोड़ेगा, माइनस। जब इसका बॉन्ड का क्लीवेज करोगे,
जब बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसके ऊपर चार्ज माइनस आता है, और जो लेस होता है उसके ऊपर प्लस आएगा। तो जनरली कहना है कि हाइड्रोजन पे प्लस आएगा और दूसरे एटम पे माइनस आता है। अब देखो इस वाले कार्बन को क्या ना आप रोटेट कराओ तो इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ऐसे पहचानोगे, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन क्या है ना, दो डिफरेंट एटम्स है। तो ऑक्सीजन क्या है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखता है, जिसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो क्या ना, इसको अटैक करा दो तो माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास जाएगा। ये माइनस कहाँ जाएगा, एच प्लस के पास जाएगा। अब क्या ना इसको जोड़ो अच्छे से, और ये रिएक्शन क्या ना बेस के प्रेजेंस में है, तो इसका कोई रोल नहीं है डायरेक्ट। ये मेरा एक शॉर्ट ट्रिक है, बस तोड़ो और जोड़ो। तोड़ना सीख गए, रिएक्शन को समझ गए अच्छे से। अब क्या ना कि इसको CH2 को मेरे को इस कार्बन से जोड़ना है, तो देखो कुछ ऐसे दिखता है ये। अब देखो यहाँ पर ये CH3 क्या ना, ये हिंड्रेंस का काम करता है, ऑब्स्टिकल का काम करता है। तो इस CH3 क्या करना, उस कार्बन के ऊपर भेज दो, कार्बन के ऊपर ऐसे सेट करो ताकि फील लेना आसानी से रहे। यानी इस कार्बन को क्या ना मेरे को इस कार्बन से जोड़ना है, तो CH3 क्या कर रहा है ना, डिस्टर्ब कर रहा है, तो CH3 को मैंने ऊपर भेज दिया। अब क्या ना देखो रास्ता खुल गया, ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पर क्या ना ये O के साथ क्या आएगा, H आएगा। इसको ऐसे जोड़ो तो इस वाले कार्बन से क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब आगे क्या है बेटा, CHO है ये आपके पास, C डबल बॉन्ड, O का मतलब CHO है। तो इससे क्या ना देखो तुम्हारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट बन गए, दो। तो ये वाला प्रोडक्ट मान लो सपोज क्या ना मेरे पास B बन गया, या इसको मैं सपोज क्या ना 1 दे देता हूँ, तो इसको मैं क्या दे सकता हूँ, 2 दे देता हूँ। तो अभी मेरे पास क्या, अभी दो प्रोडक्ट बने हैं, ऐसे दो प्रोडक्ट अभी मेरे पास और हैं। अब जरा देखो कैसे करोगे इसको, तो मैं इस ए वाले को कह रहा कि दो ले लेता हूँ। पहले मैं क्या किया था, दोनों को क्रॉस से रिएक्शन कराया, दोनों को जब क्रॉस से कराया तो ये प्रोडक्ट आपका ये बना। जब मैंने बी और ए के साथ कराया तो मेरे पास कुछ ये सेकंड प्रोडक्ट बना। ओके, अब मैं दोनों को कहना सेल्फ से करा देता हूँ। सेल्फ का मतलब क्या ना, ए का दो मोल ले लीजिए, CH3 है, सी डबल बॉन्ड ओ है, और ये एच है, इसका क्या ना दो मोल आप यूज करो। इसका जब दो मोल यूज करोगे तो किसी एक के कार्बन को क्या करो, फिक्स कर दो, और दूसरे वाले के अल्फा हाइड्रोजन को रोटेट कराओ, तो ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा आपके पास CHO हो जाएगा। ओके, तो अब जरा देखो इसमें कैसे कराओगे, इसको तोड़ो जरा अच्छे से। इसको जब तोड़ोगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस, पीछे क्या छोड़ेगा, माइनस। इसको रोटेट कराओ तो इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा। बस ये तोड़ना सीख गए तो समझो रिएक्शन का जोड़ना आसान है, समझो। तो माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास आएगा। ये माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास आएगा। अब इसको भी जोड़ दीजिए आप अच्छे से। अब देखो जोड़ोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, पहले CH3 है, अब देखो ये H क्या है ना डिस्टर्ब कर रहा है, फिर उसको ऐसे ही भेजो ऊपर, ये हो जाएगा C के साथ H, और देखो इसका रास्ता खुल गया। यानी इस कार्बन को मेरे को इस CH2 से जोड़ना बेटा, तो ये जोड़ोगे तो ये CH2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो इस सेल्फ वाले से भी क्या बना, ये प्रोडक्ट बना। तो इसको क्या ना प्रोडक्ट नंबर 3 दे दीजिए, प्रोडक्ट नंबर 3 दे दिया जाए। ओके, अब ऐसे चौथा प्रोडक्ट हो कैसे बनाओगे बेटा, फोर्थ प्रोडक्ट क्या ना कि मैं बी वाले को क्या ना दो बार ले लेता हूँ। तो इनसे क्या ना ए से सेल्फ बना, बी से सेल्फ बना। अभी मैं इसका एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको चार और अच्छे से याद कर सकते हो, फिलहाल क्या ना मैकेनिज्म को अच्छे से फॉलो करो। तो अब क्या ना कि मैं CH3 CO CH3 को दो बार ले लेता हूँ, CH3 CO CH3 का मैं दो मोल ले लेता हूँ। ओके, अब इसका दो मोल लोगे तो इसको भी ऐसे ही तोड़ो, बस मेरे को क्या ना कि अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे के कार्बोनिल को क्या करना है, फिक्स करना है। ओके, तो आप इसको ऐसे तोड़ो और जोड़ो। तो अब इसको रोटेट कराओ बेटा, देखो ये कुछ यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला पोर्शन यहाँ पर अटैक करेगा, इसको भी आप जोड़िए, तो ये हो जाएगा CH3। ओके बेटा, इसमें क्या ना कि देखो बस इसको तोड़ो और जोड़ो। तो आप कैसे इसको जोड़ोगे, तो देखो इसको फिर से एक बार नोटिस कर लो अच्छे से, तो ये हो जाएगा CH3, और इस वाले को कार्बन से, इस कार्बन से मेरे को जोड़ना है। तो देखो इसमें जुगाड़ क्या लगाओगे, तो इस CH3 को क्या है ना ऊपर पलटी मारो पहले, तो जब पलटी मारोगे तो बेटा कुछ ऐसे दिखेगा, ये CH3 हो गया। इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, देखो ये O के साथ H जुड़ेगा, ये आपको दिख रहा है अच्छे से। फिर क्या है ना मेरे पास CH2 आ गया है, तो CH2 है, और ये क्या आ जाएगा, CO CH3 आ जाएगा। देखो इसमें क्या ना ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो टोटल इसमें क्या ना चार प्रोडक्ट बनते हैं समझो, और ये सबसे क्या ना कि टफेस्ट रिएक्शन में से एक माना जाता है। इसको क्या ना शॉर्ट ट्रिक से कैसे समझोगे कि टोटल मेरे को चार कैसे याद रखना है, तो JEE वगैरह में क्या ना कि डायरेक्ट इसको इंटीजर बेस में क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो देखो मैंने इसका क्या ना कि एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है कि इसको कैसे चार को और नोटिस कर सकते हो, दो सेल्फ से बनता है और दो क्रॉस से बनता है।
देखो मैं इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और अच्छे से फील करा दूँ। सपोज क्या है ना कि चार प्रोडक्ट को देखो कैसे याद कर सकते हो इसमें। तो इसको मान लो सपोज ए है और इसको मान लो सपोज बी है, तो इसमें क्या है ना कि दो सेल बनता है और दो क्रॉस बनता है। तो इसको आप ऐसे नोटिस कर सकते हो कि मान लो ए और प्लस हमने बी लिया, ए और बी हमने लिया, तो इससे प्रोडक्ट क्या बना, ए बी बना। सपोज क्या है ना कि हमने अब इसको रीअरेंज कर दो, यानी पलट दो अलग से, बी प्लस ए कर दो, तो इससे क्या बनेगा, बी ए बनेगा। ओके, अब सपोज क्या है ना कि ये दोनों तुम्हारे क्या हो गए, क्रॉस हो गए, तो इसको क्या ना आपस में यहां लिख सकते हो, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब क्या ना कि ए प्लस ए के साथ बनाओ, तो ए प्लस ए के साथ बनाएंगे तो ए बनेगा। फिर इसके बाद क्या ना बी प्लस बी के साथ बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, बी बी बनेगा। तो इससे क्या बना, प्रोडक्ट सेल बना। तो दो इसमें क्रॉस है और दो क्या इसमें सेल्फ है समझो। तो ए प्लस बी के साथ क्रॉस, बी प्लस ए के साथ बी ए, तो क्रॉस हो गया। ए प्लस ए है तो सेल्फ एंड बी प्लस बी है तो सेल्फ है समझो। ओके, तो ये आपके पास रिएक्शन को याद करने का एक बेहतरीन तरीका है। और इसमें एक और प्रैक्टिस करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके तो बच्चों इसमें एक और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्रॉस एल्डल को लेकर के। अगर आप इतना ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास क्या ना, इसमें भी ए और बी करके मैं मेंशन कर देता हूँ। ये भी मान लो कि मेरे पास ए है और ये मान लो कि मेरे पास बी है, तो तरीका वही है। तो बेटा इसमें तरीका क्या है, वही है। ओके, तो देखो इसमें कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो टोटल इसमें भी क्या है ना चार प्रोडक्ट बनेंगे। बस मेरे को चारों क्या ना वेरीफाई करना है, क्योंकि पेपर में आपको तो रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि आप ए बी बना के छोड़ दोगे इसको। तो देखो इसको कैसे पोस्टमार्टम करोगे इस क्वेश्चन का। तो मैंने ए और बी के साथ पहले प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो इसमें तरीका ये है कि देखो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो रिएक्शन क्या ना कि चाहे एल्डोल कराओगे चाहे क्रॉस एल्डोल कराओगे, दोनों में शर्त क्या ना कि आप अल्फा से ही कराओगे। तो हाइड्रोजन क्या ना मेरे को इसका शिफ्टिंग कराना है और इस वाले के कार्बोनिल पे रिएक्शन कराना है। तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर देता हूँ, तो ये सी एस थ्री हो जाएगा और इस वाले को देखो क्या है ना सी एस थ्री और इस वाले को सी एच और इस वाले का एच और इस वाले का सी एच हो। देखो अब तरीका सीख गया है ना। तो इसको तोड़ोगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज जनरेट होगा, माइनस, और इसके ऊपर जब तोड़ोगे तो इसके ऊपर चार्ज जनरेट होगा प्लस। देखो यहाँ पर कार्बोनिल है, जहाँ पर डिफरेंट एटम होते हैं, तो जनरली देखो कार्बोनिल वाले में क्या ना कि सीओ पे ही रिएक्शन टेक प्लेस होता है। आप मेरे को अच्छे से याद कर सकते हो कि जब भी कार्बोनिल आएगा, एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक आएगा, तो जनरली इसमें मेजोरिटी रिएक्शन कहाँ पर होगा, सीओ पे टेक प्लेस होगा। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो बस मेरे को रट लो अच्छे से, कहाँ पर अटैक कराओगे, सीओ पे अटैक कराओगे। कैसे कराओगे, बस इसको तोड़ दो अच्छे से, तो इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा, पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस छोड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक और इसका जुगाड़ देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो जिसका एटॉमिक नंबर क्या ना कि ज्यादा है, जो पीरियड दो वाले स्पेशली होते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन होते हैं, तो ये पीरियड दो वाले हैं, जिसमें क्या ना कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उस पर क्या चला जाएगा, माइनस आएगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर वैसे भी ज्यादा होता है, ये भी आप क्या ना एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। तो माइनस कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, ये कहाँ अटैक करेगा, एच पे। अब क्या ना सिंपल इस पे जोड़ दो। तो ये तरीका अगर सीख गए तो सबसे कि समझो इजीएस्ट मेथड होता है समझो रिएक्शन को पकड़ने का ये। तो अब इसको जोड़ो अच्छे से, तो बेटा ये कुछ ऐसे दिख जाएगा सी एस थ्री, ये हो जाएगा देखो एच। एच क्या कहना थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको ऊपर भेज दो आप, क्योंकि कार्बन का बस चार बॉन्ड पूरा होना चाहिए। ये ओ एच हो जाएगा, देखो मेरे को इस माइनस को इस कार्बन से जोड़ना है और ये सी एस थ्री इस सी एच से जुड़ा हुआ है। देखो इसको कैसे जोड़ोगे, तो बेटा ये पहले सी एच लिख दो और इस सी एच क्या है ना सी एस थ्री से जुड़ा हुआ है, तो इसको ऊपर पलटी मारो, तो देखो ये कुछ ऐसे दिख जाएगा सी एस थ्री हो जाएगा। अब इससे ओ से क्या ना एच को जोड़ दो, ये तो जोड़ा ही हुआ पहले से ही, ये सी एच हो जाएगा। तो देखो ये तुम्हारा क्या ना पहला प्रोडक्ट बन गया। तो बस तरीका क्या ना कि आप जोड़ो, यानी किसी को पहले तोड़ो अच्छे से, तोड़ने के बाद क्या ना इसको जोड़ना सीख गए अच्छे से। अगर तोड़ना सीख गए तो जोड़ना आसान है समझो, क्योंकि अपोजिट में ही क्या ना बॉन्ड बनता है, ये प्रैक्टिकली भी होता है और आपके केमिस्ट्री में भी दिखता है समझो। तो इसमें यह पहला प्रोडक्ट हो गया। अब थोड़ा इसी को क्या ना कि थोड़ा सजा दोगे तो ये सी एच हो जाएगा, ये सी एच सी एस थ्री हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ अभी यहाँ पर। अब मैं देखो क्या ना कि बी वाले को पहले लिखता हूँ। अब बी वाले को पहले लिखो अच्छे से, तो ये सी एस थ्री हो जाएगा, ये सी एस टू हो जाएगा, और इसको क्या ना इसको खोल दो, इसको ऐसे खोल दो। दूसरे वाले के अल्फा ऑर्जन को जरा चेक करो, इसको ऐसे नोटिस करो, सी एच ओ कर दो। और ये सारे रिएक्शन क्या ना बेसिक मीडियम है, बेस बोले तो एन एच हो गया। ओके, अब देखो इसको कैसे करोगे रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे है कि यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है ना,
जस्ट फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले को सर्च कर रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल में ये आपके पास अल्फा कार्बन है, तो हमको खाली एक हाइड्रोजन से मतलब होता है, तो इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। इसको जब तोड़ोगे तो बेटा इस पर क्या आएगा, माइनस, और इस पर प्लस, प्लस माइनस मिल गया, जोड़ दो अच्छे से, बस अब जोड़ दो, देखो कैसे जोड़ोगे इसको। तो बेटा ये जुड़ेगा, ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा C, चलो इस बार मैं ऐसे लिखता हूँ, इस बार ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CHO। तो इस वाले को दे सकते हो सेकंड प्रोडक्ट, दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट। अब देखो था तो बेटा इसमें क्या ना कि दोनों A और B से क्या ना हमारा क्रॉस बन गया। अब दूसरा तरीका क्या है ना कि दो प्रोडक्ट बन गए, अब क्या करोगे, सेल्फ बनाओ। तो सेल्फ कैसे बनाओगे, A का 2 मोल लेना है और BB का 2 मोल यूज करना है। तो पहले आओ मैं A का 2 मोल यूज कर लेता हूँ। तो इसको कैसे यूज करोगे, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, वही तरीका जो हमने प्रीवियस में भी किया था। तो ये क्वेश्चन क्या ना रिपीट हो जा रहा है, तो फिर से मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर लीजिए। इस वाले CH3 को क्या ना पैसे तोड़ो, ऐसे तोड़ना अगर सीख गए तो रिएक्शन समझो क्या ना रटना आसान हो जाता है। रटना क्या है मतलब, ये पूरा मैकेनिज्म है समझो। तो तरीका वही है इसमें, इस वाले पर क्या आएगा, माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, इसको तोड़ोगे माइनस आएगा प्लस आएगा, इसको यहाँ रोटेट करा दो, इसको यहाँ रोटेट करा दो, और सीधा सीधा इसको जोड़ दो। अब देखो जोड़ोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा ये, तो बेटा ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा आपके पास CH, और चलो इस बार क्या ना मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, और ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CHO। देखो प्रोडक्ट को और कंफर्म करने का एक और इजी तरीका है कि आप क्या ना कि बीटा वाले पे OH होना चाहिए, क्योंकि इतने प्रोडक्ट होते हैं सब में क्या ना बीटा पे OH होता है, आप सबको क्या ना वेरीफाई कर सकते हो। देखो आप इसको चेक करो, तो बेटा ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा, तो बीटा पे क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। अगर बीटा पे OH है तो दैट मीन्स क्या ना प्रोडक्ट हमारा सही जा रहा है। इसको भी चेक कर लो, तो बेटा ये हो गया अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, देनी हो जाएगा बीटा, तो बीटा पे क्या लिखा, OH दिखा ना, मतलब प्रोडक्ट हमारा सही जा रहा है। इसको चेक कर लो, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा पे OH, मतलब प्रोडक्ट हमारा सही जा रहा है। अब इसमें क्या ना कि देखो तुमने A को किया है, अब ऐसे क्या ना BB के साथ कर लो, तो बेटा BB के साथ करोगे तो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे ब्रेक करो, C डबल बॉन्ड O, और ये H है समझो। अब दूसरे वाले का क्या ना, दूसरे वाले का CH3, ये हो जाएगा CH, ओके। देखो मेरे को क्या ना ये CHO है, तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का मेरे को हाइड्रोजन लेना है। जनरली क्या ना कि कुछ बच्चे यहाँ पर बीटा वाले से अटैक करा देते हैं, क्योंकि आप सीधा सीधा इस पर जोड़ोगे तो जनरली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इस CH3 के हाइड्रोजन से इस पर अटैक कराते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है समझो। जब CHO के बगल में अल्फा हाइड्रोजन है तो मैं इस कार्बन को इससे जोड़ने का प्रयास करूंगा, यही आपका फंडा है समझो, एल्डोल में या क्रॉस एल्डोल में। तो मैं इस वाले को ऐसे सेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा CHO। अब इसको तोड़ दीजिए आप अच्छे से, जब इसको आप तोड़ेंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस, पीछे क्या छोड़ेगा, माइनस, इसको जब रोटेट कराओगे तो माइनस, पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस। अब इसको अटैक यहाँ पे करा दो, ये वाले का इस पर अटैक करा दो, अब क्या ना इसको सीधा सीधा जोड़ दीजिए आप, जब जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, तो बेटा ये हो जाएगा CH3 CH2। अब CH2 के बाद वहाँ पे मेरे को इस CH से इसको कार्बन से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ा जुगाड़ लगाओगे इसको, देखो ये CH3 क्या ना डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस CH3 से क्या ना ये CH जुड़ा हुआ है, तो तरीका वही है, आप इस CH3 को ऊपर भेज देना। देखो कैसे भेजोगे, मेरे को आप एक बार कॉपी कर लो, तो बेटा ये हो जाएगा CH, पहले इससे OH जोड़ दो, ओके। फिर इसके बाद क्या ना CH है, तो ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा CHO। बस कंफर्म करने का वही तरीका है कि बीटा पे OH होना चाहिए, तो चेक कर लो, ये अल्फा है और ये बेटा आपके पास बीटा है, तो अल्फा के बगल में बीटा पे OH जुड़ा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा सही जा रहा है। अब देखो इसमें क्या ना टोटल आपके 4 प्रोडक्ट बन गए, तो ये भी अपने आप एक बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपको एक प्रैक्टिस के लिए काम कर सकता है। तो देखो वही तरीका है, पहले आपने क्या लिया, A+B लिया, तो AB बना, तो ये आपका प्रोडक्ट चेक हो गया, वेरीफाई हो गया। फिर वैसे ही क्या ना B+A आपने लिया, तो बेटा क्या बना, तो बेटा इसका समरी कुछ ऐसे है, A+B वाला AB बना, B+A BA बना, फिर क्या करोगे A+A, तो इससे क्या बनेगा A बनेगा, फिर आप क्या करोगे B+B, तो बेटा इससे क्या बना BB बना। तो वेरीफाई कर लो, ये आपके पास AB वाला प्रोडक्ट है, डन, ये आपके पास BA वाला प्रोडक्ट है, और ये आपके पास A वाला प्रोडक्ट है, और ये आपके पास BB वाला प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या ना कि टोटल आपने क्रॉस एल्डोल में आपने ये देखा कि आपके पास कम से कम एक एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए,
मैं आपको इसमें एक होमवर्क मेंशन कर देता हूँ, आप कृपया इसको करके मेरे को कमेंट सेक्शन मेंशन करिएगा। मैं आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस दे देता हूँ। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस बेटा कुछ ऐसे है, आप कुछ डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज क्या है ना कि इस बार मैंने HCHO ले लिया और इस बार क्या नाम ने CH3CHO ले लिया है। इसके साथ आप इसका रिएक्शन कराइएगा HCHO और CH3CHO के साथ। ऐसे ही क्या ना एक रिंग के साथ कर लो। ये मान लीजिए सपोज HCHO हो गया और क्या ना रिंग के साथ CH3C11O और ये रिंग के साथ कुछ ऐसे है। तो आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। एक और देखिए बेंजल्डिहाइड, इनके साथ प्रैक्टिस करिएगा। CHO हो गया, CH3 हो गया, CO हो गया और ये आपके पास रिंग हो गया। तो ये क्या ना ये वाला क्वेश्चन जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आपके CBSE सैंपल पेपर में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके मेरे को आप मेंशन करिएगा। ओके थैंक यू। बेटा इसमें क्या ना कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है। तो जैसे आपने एल्डोल सीखा, क्रॉस एल्डोल सीखा, तो इनको क्या ना कि आप जब भी पढ़ें तो इनको एक साथ अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये सारे रिएक्शन क्या ना कि रिलेट करते हैं। समझिए जैसे एल्डोल का उसका बड़ा भाई क्रॉस एल्डोल है, कैनिजारो का बड़ा भाई क्रॉस कैनिजारो है। तो इसमें शर्त ये कैनिजारो के लिए कि आप बेसिक ये जानने का प्रयास करें कि कैनिजारो में नो अल्फा हाइड्रोजन और एल्डोल में क्या है ना कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो आपका एल्डोल देगा, अगर स्पेशली नहीं है तो कौन सा रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो क्रॉस कैनिजारो का भी देखो, क्रॉस का सीधा सीधा मतलब है कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो डिफरेंट होने चाहिए। तो इसमें आप ये चेक करोगे तो ये अलग है और ये अलग है, तो इसका मतलब क्या ना ये क्रॉस होगा समझो। और दोनों में शर्त क्या ना कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्रॉस कैनिजारो कहलाएगा। अब देखो स्पेशली देखो रिएक्शन को कैसे फील करोगे इसमें, हालांकि इसमें अगर आप इसका नाम लिखोगे बेटा ये एक कार्बन का है, तो एक कार्बन को IUPAC में मेथ बोलते हैं और ये आपके पास CHO है तो क्या जोड़ दोगे, मेथनॉल कहलाएगा। और इसको क्या बोलोगे, फॉर्मल्डिहाइड बोलोगे। तो ये आपका बेसिक नेम है जो आप अलग से पढ़ते हैं समझिए। फिर भी अगर नहीं मालूम है तो आप इसको लिख सकते हैं ये फॉर्मल, ये बेंजल्डिहाइड है और इसका नाम है समझो कि मेथनॉल और कॉमन में इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो रिएक्शन को कैसे फील करोगे, तो मेरा इसमें जुगाड़ ये है ना कि आप इसको कैसे क्लीवेज दिखाओगे। तो जनरली जो इसमें लोअर वाला होता है ये इसका कहना कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है बेटा। तो बेटा इसमें कैसे इसको टेक प्लेस कराओगे, तो देखो मेरा इसमें जो गाड़ी है कि जो HCHO वाला है ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसको कहना एक हाइड्रोजन को इस कार्बन पे सेट करिए और ये वाला जो हाइड्रोजन है ना इस वाले को O के साथ आप सेट कर दीजिए बेटा, या इसको आप ऐसे रहने दीजिए। अभी यहाँ पर देखो इसमें कैसे आप प्रोडक्ट बनाओगे यहाँ पर, तो जनरली जो पहले ये वाला पोर्शन है ओके, तो इसको आप ऐसे सेट करो। देखो तो इसमें जो रिंग वाला पोर्शन है, रिंग वाले पोर्शन के साथ ये बन जाएगा आपके पास CH2OH। तो इसको ऐसे दिखाइए CH2OH, और जो ये वाला पोर्शन है ना ये बनेगा आपके पास स्पेशली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनेगा। तो इसमें क्या ना ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ONA, ये इसके साथ जोड़ दो। हालांकि इसको रोटेशन थोड़ा हटा दे, थोड़ा इसमें क्लीवेज गड़बड़ हो गया है। तो ONA को क्या ना HCSO के साथ जोड़ दो, HCO के साथ। तो ये हो जाएगा HCONA, ऐसे नोटिस करो इसको। अब थोड़ा फिर से मैं एक बार थोड़ा सा नोटिस करा देता हूँ कि कैसे इसको याद करोगे। देखिए इसमें ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला जो H है इसके पास भेजो और ये जो H है ना इस कार्बन के पास भेजिए। तो यहाँ पर जब ये H जाएगा तो CH2 हो जाएगा, तो देखो ये CH2OH हो गया, डन। अब क्या है ना देखो इसमें इतना पोर्शन बच गया, HCO बच गया है, इधर क्या बच गया है ONA बच गया है। तो इसके साथ चिपका दीजिए अच्छे से ONA HCO, ओके। तो इसमें क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा और एक इसमें सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो क्रॉस वाले में कहना है कि जो लेस कार्बन होता है इसका ऑक्सीडाइज होगा और जो रिंग वाला पोर्शन होता है ये रिड्यूस होता है। तो ये इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। मतलब इसमें क्या है ना कि एक अल्कोहल बनेगा और एक इसमें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो तरीका ये है कि एक एल्डिहाइड वाले के एच को कार्बन के पास भेजो और जो बेस वाला जो एच है इसको ओ के साथ भेजोगे तो CH2OH हो जाएगा, और जो HCO बच जाता है इस वाले को क्या ना ONA के साथ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो दिस इज द क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। आइए मैं आपको इस पे एक दो और प्रैक्टिस करा देता हूँ, थोड़ा अच्छा फील आएगा। तो इसमें क्रॉस कैनिजारो आपके सिलेबस में बस इतना ही है, एक दो मैं आपको एग्जांपल अलग से करा देता हूँ। जैसे बेटा इसमें CHO हो गया, ये CHO हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं यानी इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन बोला जाता है। इस नेम रिएक्शन का नाम आता है इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन बोला जाता है। तो ये कहना कि एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जेई का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे नोटिस करोगे, और ये किसके प्रेजेंस में है, कॉन्सेंट्रेशन NaOH की प्रेजेंस में है।
ओके तो देखो इसमें क्या ना कि ये सेल्फ रिएक्शन होगा, यानी आपस का आपस में रिएक्शन टेक प्लेस होगा। तो इसको क्या ना ऐसे तोड़ दो, तो ये जब तोड़ोगे बेटा तो ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच हो जाएगा, इसको तोड़ोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा ओके। और ये एन ए ओ एच है, तो इसमें क्या करोगे किसी एक एच वाले को इसके पास भेज देंगे, इस ओ के पास भेज देंगे। तो देखो इसमें कुछ ऐसे बनेगा, ये सी एच टू ओ एच, ये हो जाएगा सी एच टू ओ एच और ये हो जाएगा सी ओ माइनस। अगर यहाँ पर एन ए है तो आप एन ए भी यहाँ चिपका सकते हो। तो देखो ये कुछ ऐसे बना प्रोडक्ट। देखो इसमें कैसे नोटिस किए, एक एच को क्या है ना इस ओ के पास भेज दो, तो ये इससे ओ एच हो गया, देखो ये ओ एच हो गया। एक आपके पास जो ये वाला एच है ना इसको आपस में कार्बन से अटैक करा दो, तो देखो यहाँ पर सी एस टू हो गया। अब क्या बच गया यहाँ पर, ये सी ओ बचता है और यहाँ का ओ बचता है, तो ये क्या हो जाएगा ओ एन ओ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। ऐसे ही क्या ना कि लगे हाथ एक और आप प्रैक्टिस कर लो तो टोटल इसमें आपका पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा। ये आप रिएक्शन क्या ना मेरे को घर के दिखाइएगा, सी एस थ्री सी ओ और ये आपका क्या ना सी ओ एच है। तो इसमें भी क्या ना कि आप एन ए ओ एच के साथ करा दीजिए, तो ये आपस में क्या ना सेल्फ कैनिजारो कहलाते हैं। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ओके थैंक यू।